और मेरे प्रियो, मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट बात बताना चाहती हूँ जो यहोवा परमेश्वर ने अपने याजकों को अपने इजरायलियों पर इन वचनों के द्वारा आशीर्वादों को रिलीज करने के लिए कहा है। हम पवित्र शास्त्र बाइबल के गिनती अध्याय 6 के वचन 22 से 27 तक पढ़ते हैं। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति वे मेरे नाम को इजरायलियों पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूँगा। मेरे प्रियो, यह वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इन वचनों को इजरायलियों पर याजकों को हर रोज रिलीज करके उन्हें आशीर्वादित करना होता था। मेरे प्रियो, आप ये ना समझे कि नया नियम हमें दिया गया है तो हम पुराने नियम को महत्व ना दें, क्योंकि पुराना नियम ही नए नियम की परछाई है। मेरे प्रियो, जब हम एक बिलीवर बनते हैं, वही सेम वचनों को हमें हमारे परिवार पर रिलीज करना है, क्योंकि इन वचनों के द्वारा इजरायली लोग इतने आशीषित हुए हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि हमारा परिवार भी वचनों के द्वारा कितना आशीषित होगा। हमारे परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा इजरायलियों को आशीषित किया था, तो मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा हम भी आशीषित हैं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।